मैं सीमा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं विंटर रेसिपी में आपको बाजरे और मक्के की के आटे की बाटी बताने जा रही हूँ। मैंने बाजरे का बढ़िया सा आटा लगा के रख लिया है और इधर मक्के का आटा भी लगा के रख लिया है। अब हम इसकी दो बाटियाँ बना लेंगे और इसको भी हम जो छाने का जो जगरा होता है उसमें ही सेकेंगे, उसमें ये बहुत अच्छे से फूल जाती है। जब मैंने ये बाजरे का और मक्के का आटा लगाया था तब मैंने इसमें 1/4 चम्मच मीठा सोडा और 1/4 चम्मच नमक डाला था और फिर ये आटा मैंने लगाया था। इसकी भी इसी तरह से दो बाटी बना लेंगे बढ़िया सी। दो बाटी बना ली है और अब हम जो जगरा है उसके अंदर इनको सेकेंगे। ये हमने मक्के का आटा लगा के दो बाटी बना ली और बाजरे का आटा लगा के भी दो बाटी बना ली। अब इसके साथ ही हम बैंगन के भरते की तैयारी करते हैं। बैंगन के भरते के लिए जो सामग्री यूज में ली जाती है वो ये है कि हमने 3 बैंगन लिए हैं, रिफाइंड ऑयल लिया है, 1 कटोरी मटर छील के रख लिया है और ये लहसुन छील के रख लिया है, 1 प्याज काट लिया है, 2 टमाटर की प्यूरी ले ली है, 2 हरी मिर्च ले ली है, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट और धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक और ये साबुत धनिया जो इसमें डालेंगे। तो अब हम बैंगन का भरता भी साथ ही बनाएंगे ताकि ये जो लिट्टी चोखा जो बिहार में खाया जाता है एक तरह से ये वो रेसिपी है और राजस्थान में इसे बैंगन का भरता और बाटी बोली जाती है। ये हमारे छाने अच्छे से हो गए हैं और अब हम ये जो बैंगन है इसके अंदर हल्का सा ऐसे कट लगा के और जो ये लहसुन है ये इसमें ऐसे घुसा देंगे अंदर चाकू की मदद से। और घुसा देंगे इसमें इसी तरह से। ये जो दूसरे बैंगन है इनमें भी हम ये जो लहसुन है ये अंदर हम ऐसे घुसा देंगे। इससे बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी बनेगा और अब हम ये ऐसे इस पे रख के ऐसे सेकेंगे और ये जो दूसरे बैंगन है इनमें भी हम इसी तरह से घुसा देंगे। इनमें अच्छे से ये जो छेद करके अंदर ये लहसुन घुसा दिए थे इसमें भी इसी तरह से और हम इसे बराबर से उलट पुलट करके सेकते रहेंगे। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है कि इसके अंदर बैंगन के अंदर लहसुन की कलियां घुसा के जो सेका जाता है तो लहसुन बहुत अच्छे से सिक जाता है तो बहुत अच्छी स्मेल देता है। हमने बैंगन तो उसमें डाल दिए हैं और अब हम जो हमने बाजरे की और 2 मक्के की बाटी बनाई थी ये भी हम इसके ऊपर ही इस तरह सेकेंगे। हम इनको उलट पलट करके सेकते रहेंगे।
ये सर्दियों में खाई जाती है मक्के बाजरे की बाटी। ये देखिए हमारा अच्छे से हो गया है, ये बिल्कुल ही नरम हो गया है एकदम। और इसे हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के इसको इस तरह से हम छिलके हटा देंगे, बिल्कुल छिलके हटा के फिर इसको चाकू की मदद से बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए हमारा बैंगन का भरता जो है, ये बैंगन छिलके हटा के बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए हैं। इसमें ये जो लहसुन डाले थे ये भी अच्छे से सिक गए हैं। और ये हमारा चूल्हा एकदम तैयार है, इसके बर्तन रख देंगे, इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और अब हम इसमें तेल डाल देंगे। ये 4 चम्मच मैंने तेल डाल दिया, सभी और गर्म होने देंगे। ये देखिए गर्म हो गया है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। ये हरी मिर्च भी डाल देंगे। और जब तक ये लाल होते हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसमें हम ये टमाटर की जो प्यूरी करी थी ये भी इसमें हम मिला लेंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच धनिया डालेंगे। मिर्च अपने स्वाद अनुसार आप ज्यादा और कम कर सकते हैं, मैंने 1 और आधी चम्मच मिर्च डाली है। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है और ये 1 छोटी चम्मच मैंने नमक डाला है। और इसको हम अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये प्याज हमारे लाल हो गए हैं और अब हम ये मसाला डाल देंगे। ये इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और अच्छे से मिला के ये पानी डाल दें। ये मसाला हमारा अच्छे से हो गया है, ये साइड में तेल छोड़ दिया है। और अब हम सबसे पहले मटर डाल देंगे, ताकि मटर अच्छे से सीख जाए। और हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल देंगे। ये 5-10 मिनट हो गए हैं और मटर अब होने वाले हैं, तो अब हम ये बैंगन भी इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर और 10-15 मिनट के लिए तो और अब इसे डालेंगे। तो हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
कम कम आंच पे इसे ऐसे ही चलने देंगे। ये बैंगन का भुट्टा बनके तैयार है और इसको हम हरे धनिया से अच्छे से सर्व कर देंगे और मिला भी देंगे। ऐसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मक्के और बाजरे की बाटी अंदर से भी सिक गई है और बाहर से भी, इसको हम हल्के हाथ से इस तरह से साफ करके ये मक्के की है और ये बाजरे की, इसको भी हम इसी तरह से हल्के हल्के हाथ से साफ कर लेंगे। ये बैंगन का भरता बन के तैयार है और अब हम इसे सर्व करने के लिए लेंगे। धनिया डाल देंगे, और बाटियों पे लिखा आप जितना चाहे उस हिसाब से घी डाल सकते हैं। ये बैंगन का भरता और बाजरे और मक्के की बाटी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं सीमा ढाबाई, धन्यवाद।